अस्सलाम वालेकुम भाई, होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इमेज ब्लॉग्स की। इमेज को किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, आपको कौन कौन से कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मौजूद हैं इमेजेस के लिए। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को क्विकली दिखा देता हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक इमेज मौजूद है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा सिंपल इस तरह से, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा एडिट का, डुप्लीकेट का और डिलीट का। अगर मैं इस इमेज को डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपल डिलीट कर दूंगा, डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो डुप्लीकेट कर लूँगा। अगर मुझे इस इमेज को वजीद एडिट करना है, किसी तरह के फिल्टर्स या और एडिशन करनी है इसके अंदर, तो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा। सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस इमेज को मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। और यहाँ पर देखिए, इस इमेज की मुझे पोजिशन कौन सी दिखानी है, तो मैं इस ऑप्शन से वो दिखा सकता हूँ। राइट, इसके ऊपर, इस इमेज के ऊपर कोई लिंक ऐड करना है, आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे अब ऑप्शन आ जाता है डिज़ाइन का, मुझे किस तरह से ये डिज़ाइन चाहिए। यहाँ पे देखें, कॉर्नर जो है कुछ इस तरह से आप लोगों को चाहिए, जबकि यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मुझे साइडों से बॉर्डर रेडियस देना है, तो मैं कुछ इस तरह से बॉर्डर रेडियस दे दूँगा। लेट्स से यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 100। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ गया राइट साइड से। अगर मैं यहाँ इसी तरह से इस कॉर्नर से देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 100 यहाँ से दे दूँगा। कुछ इस तरह से ये कॉर्नर आ रही, तो मज़ीद इसको मैं उसी तरह से सेट कर देता हूँ, बल्कि मैं चारों साइड की तरफ से 100 की बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमारा इमेज कुछ इस तरह से शो होने लग गया। राइट, तो मज़ीद इसकी जो शेप है उसको मैं डिफरेंट तरीके से चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, तो इस तरह से मैं उनको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारी शेप्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनके रेशोज़ और सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह मैं इस इमेज को स्ट्रेच करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ओवरले ऐड करना चाहूँ यहाँ पर किसी भी कलर का ओवरले, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। और इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। और कस्टम कलर कोई भी ऐड करना चाह रहे हैं आप इसके अंदर, ओवर ये के अंदर, तो वो ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर मुझे। और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन है, आप डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शन वो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, स्क्रीन हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन, लेकिन अभी के लिए मैं इसको क्या करूँगा, सिर्फ नॉर्मल पे ही रहने दूँगा। और यहाँ पे हमारे पास है लाइट बॉक्स। अगर मैं इसको लाइट बॉक्स के मोड में ऐड करूँ, लाइट ओवरले, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे ओवरले लगा चुके हैं, तो वो सम सॉर्ट ऑफ नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको प्ले कर देते हैं और आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरह से आप एक इमेज के ऊपर डिफरेंट तरह की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे ये इमेज को एडिट भी करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद स्क्वेयर स्पेस का जो एडिटर मोड है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इस इमेज की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा, उस सिचुएशन, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मुझे यहाँ पे, उनको मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्रॉप कर सकता हूँ इस इमेज को डिफरेंट एस्पेक्ट रेशो के अंदर, और कस्टमली अगर मुझे कोई इमेज क्रॉप करनी है कुछ इस तरह से, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरह से क्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे क्रॉप नहीं करनी। और यहाँ पर देखिए, बहुत सारे फिल्टर्स हैं। अगर किसी भी इमेज के ऊपर आपको कोई फिल्टर ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स मौजूद है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पिक्चर के ऊपर। राइट, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फिल्टर मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सेटिंग्स इमेजेस से रेलेवेंट, जो कि आपको आई होप समझ आई होंगी। और कंप्लीट डिटेल के अंदर मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आप इमेजेस की सेटिंग्स कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती है।